जिला के मोहनिया में नगर पंचायत में नगर पंचायतों का चुनाव का डेट क्लियर हो गया है और जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि पिछले 5 साल में नगर पंचायत के द्वारा क्या काम किया गया है, वार्ड मेंबर के द्वारा क्या काम किया गया है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यह है रसूलपुर करमहरी का वार्ड नंबर 2 और वहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ के वार्ड पार्षद द्वारा यहाँ पे क्या काम किया गया है। जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार का स्टेटमेंट है कि हर घर में जल रहेगा, लेकिन जल की वास्तविक स्थिति दिखाने के लिए आज हम पहुँचे हैं रसूलपुर करमहरी में। पाइप तो जगह जगह बिछा दिखाई दे रहा है लेकिन पानी क्या स्थिति है ये हम खुद यहाँ के रहने वाले कुछ महिला यहाँ पे जो हम आए यहाँ पे सर्वे करने के लिए तो यहाँ महिला मौजूद मिली, महिला से हम खुद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। क्योंकि पेन पेपर में तो दिखाया जा रहा है कि पानी स्टार्ट है, टंकी बढ़ चुकी है, लेकिन पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर में पानी आता है? नहीं। कब से पानी नहीं आ रहा है? पानी 2-3 साल से नहीं, 10 दिन चल रहे थे बंद हो गए। पाइप लगे कौन महीना हो गया? कौन साल हो गया आपके? 2 साल। और 2 साल में कितना दिन पानी आया होगा? 10 दिन बस। उसके बाद पानी नहीं आ रहा है? पानी आओ तो आपके घर है नहीं के? आप लोग कोई के घर पानी नहीं किया हुआ? आपके यहाँ पाइप नहीं लगा है? आपके यहाँ पाइप नहीं लगा है? कौन सी जगह पे है? कौन जगह है आपका गांव जो है? करमहरी है। आप पानी एकदम पाइप लगे भी नहीं किया गया यहाँ पे? पानी नहीं गया है? देखिए जब यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो काफी लोग इकट्ठा भी हो गए हैं। पानी अगर आप लोग के यहाँ नहीं आ रहा नल का तो पानी लेने के लिए क्या सुविधा है? देखिए आप लोग कैमरा मैन से कहेंगे दिखाएंगे जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो रेल का पानी जिस तरह से टंकी फुल होने के बाद पानी गिर रहा है वही पानी हम लोग ला रहे हैं। वो पानी आप लोग ला के पीते हैं? वही पानी पीते हैं नल वाला। तो देखे जा रहा है कि जैसे काफी गंदगी है यहाँ, नाला वाला सब खुला में है, उसी में जाके आप लोग पानी लेते हैं? पानी से मतलब उसी से जाते हैं गंदगी। तो रेल को जो है आप लोग पट्टी पार करके पानी जलाने आते हैं? यहाँ यहाँ घूमते हैं। अच्छा जैसे कैसे यही लोग की पीड़ा है कि मार भी देते हैं पुलिस द्वारा जो है रेलवे का प्रशासन द्वारा मारपीट भी होता है, मारा भी जाता है, लेकिन फिर भी पानी लेने के लिए कभी कभी लड़का जाता है तो जेल भी जाता है वो किधर जाने। लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है आज के भारत का। और बिहार की बात किया जाए कैमूर जिला के मोहनिया की तो दिखा तो दिया गया है साफ साफ की जो है नल बिछा दिया गया है, पाइप बिछा दिया गया है, लेकिन पानी जो है के लिए आज भी इन लोगों को तरसना पड़ रहा है। लेकिन क्यों ना कहा जाए कि इसमें जो है पंचायत के द्वारा भ्रष्टाचार हुआ है, क्यों ना कहा जाए कि आखिर जब पाइप बिछाया गया तो जो पानी क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं कहा जा रहा है कि पूरे घर में पाइप क्यों नहीं बिछाया गया है। ये तो बहुत ही जानने की बात है कि आखिर इस तरह से अगर पाइप बिछा बिछा के गरीबों के घर में इनको ठगा जा रहा है तो इसका जवाब दे कौन होगा। जिस तरह से आप दिखा रहे हैं काफ़ी गंदगी पीछे दिखाई दे रही है, ये बस्ती के पास जो हम आए हैं तो काफ़ी गंदगी, नाला खुले में नाला है, गंदगी है, कीचड़ है। और इसी बीच में जैसा कि अभी लगभग 1-2 साल पहले और अभी भी कोरोना की बीमारी खत्म नहीं हुई है, पर डे केस बढ़ रहा है, घट रहा है, इसके बाद भी खुले में यहाँ के लोग रहने के लिए मजबूर हैं। और यहाँ के जो है नेता है चाहे जो यहाँ के प्रशासन है इनके ऊपर ध्यान नहीं देता। जब पानी नहीं मिलेगा तो बाकी विकास काम किससे करेंगे? और ये लोग जाएँ तो किससे जाएँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि नल जो बिछा है, जो पाइप बिछा है उसमें पानी आ रहा है, ये भी मैं लाइव दिखाऊंगा अपने दर्शकों को। जमीनी हकीकत मीडिया दर्शन टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे विश्वास करती है। जब वार्ड नंबर 2 में लोगों का नल जल का सब देखते हुए जब हम पहुंचे हैं तो देख रहे हैं कि ये बीच रोड पे आप देख सकते हैं, हमने कैमरा मैन को कहेंगे दिखाइए, देखिए ये रास्ता सीधा जा रहा है अंदर। बीच रोड में यहाँ पे गड्ढा किया गया और यहाँ बोरिंग किया गया है, सबमर्सिबल डाला गया है, पानी का जो है यहाँ से कनेक्शन किया गया है। जबकि
हर जगह दिखाया जाता है जो पानी का सप्लाई गांव-गांव में हो रहा है, पंचायत स्तर पे हो रहा है, तो नगर पंचायत होने के बाद डेवलपमेंट दिखाना चाहेंगे कि डेवलपमेंट कितना है और कहां कहां बड़ी बारीकी से काम किया गया है। यहां पे बोरिंग डाल दिया गया है, समरसेबल डाल दिया गया, और ये देखिए समरसेबल का जो वायर है, हम अपने कैमरा मैन कहेंगे थोड़ा सा पास करके जूम दिखाएं, ये कैमरा का जो है ये खुले रोड में ये वायर डाला गया है, और वायर ऐसे ही रोड पे चल के खुले में, ये देखिए ये खुले में वायर चल रहा है, ये देखा है ना, गड्ढा है ना कोई है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे भी इसके चपेट में आ सकते हैं। अब देखिए ये कहाँ जा रहा है, जबकि टंकी में देना चाहिए, तो यहाँ पे आइए थोड़ा पास आइए, मैं कैमरा मैन से कहूँगा ये कनेक्शन जो है वहाँ बोरिंग करके इसका स्विच कहाँ दिया गया है, स्टार्टर कहाँ दिया गया है, इस मकान में खुले में ले गया है, खुले में ये गया हुआ है पाइप तार। कभी भी बड़ी घटना को ये दावत दे रही है, कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा खुले में अगर ये तार है कट जाएगा, बरसात का टाइम है तो बच्चे इसके चपेट में आ सकते हैं और बड़ी घटना घट सकती है। यहाँ के लोग जो यहाँ के जो है प्रशासन कहेंगे, वार्ड कहेंगे, ये घटना को निमंत्रण दे रहे हैं। अब हम दिखाएंगे अंदर में कि स्टार्टर कहाँ है, इधर आइए आप, कहाँ है स्टार्टर आपका, ये देखिए यहाँ पे जो है स्टार्टर रखा हुआ है, ये ऊपर में स्टार्टर रखा हुआ है, खुले में ये तार आया हुआ है, ये तार आके स्टार्टर यहाँ रखा गया है। टंकी का पता नहीं, बड़ा बड़ा जो है पाइप के कम से कम लगभग 60 से 70 फीट ऊपर में लगभग ऊपर रखा जाता है, पता नहीं खुले में तार है, यहाँ पे स्टार्टर रख दिया गया है और इसी से सप्लाई देने का हमारे मुख्यमंत्री का सपना है कि हर घर में पानी पहुँचाएंगे। और जमीन पे क्या है ये मैं अपने दर्शकों को दिखाया हूँ कि वार्ड नंबर 2 मोहनिया में किस तरह से विकास का दरिया बह रहा है, लोगों के घर में पानी जा रहा है, लोगों की क्या पीड़ा है, ये अभी आपने देखा है कि खुले में तार जाता है, बोरिंग किया जाता है, टंकी का पता नहीं रहता है, स्टार्टर रखा रहता है, स्टार्टर मैन जो है यहाँ स्टार्ट किया जाता है, इनको जब से रखा गया है इनके बताने के हिसाब से 100 रुपये भी इनको नहीं मिला है। 2 नंबर वार्ड में करमारी में पानी सप्लाई का मोटर आप ऑन करते हैं, हैं? कौन दिन से बंद है? हुआ कम से कम महीना दिन ही गया। महीना दिन कहाँ हुआ? बहुत दिन पाँच छः। तो कहाँ है नहीं क्या चला था? अब चलत नहीं, कोई बिगड़ गया है ना, खराब हो गया है, टाटर खराब है। तो आपने वार्ड से बोल नहीं रहे बनाने के लिए, क्या बोल रहे हैं वो लोग? कब मिस्त्री आते हैं बनाते हैं तो उनको लाइन मार देता है, तो कटाव उसमें लगाए हैं ऊपर है। बना है मोटरवा डाला गया है, टंकी नहीं है ऊपर, टंकी नहीं लगा है, टंकी नहीं लगा है, खाली मोटर चला चालू करके पानी आता है, टंकी लग भी नहीं किया है। क्या नाम हुआ आपका? गुरुदास। हैं? गुरुदास। गुरुदास। राम। अभी हम एक घर में मौजूद हैं, यहाँ पर हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ तो नल लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे पीतल का टोटी दे रहा है, लेकिन यहाँ प्लास्टिक का टोटी दे दिया गया है। टोटी जिस तरह से दिया गया है, देख लीजिए, मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि पहला भरचा तो यहाँ किया गया है। अब हम दिखाते हैं कि इसमें से पानी आता कि नहीं आता, थोड़ा सा खोलिएगा, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देख लीजिए। खोलने के बाद दूर दूर तक पानी का बूंद तक नजर नहीं आ रहा है, ना पानी गिर रहा है, जबकि पानी आना है, शाम का शाम हो गया है, पानी की आवश्यकता है, और जब इस टाइम में पानी नहीं आएगा तो बताइए जो गृहिणी है जो डेली वर्क करने वाली है, इतना करोड़ों रुपया लगाने से बिहार में की नहर जल नल योजना जो है पूरी तरह से फेल नहीं माना जाता, क्या माना जाए? यहाँ पर जिस घर में मौजूद है यहाँ की महिला को जानने की कोशिश करेंगे, पानी कब से नहीं आ रहा है आपके यहाँ? जून से नहीं आ रहा है, पहले जो पानी आ रहा था, पानी जून महीने से पानी आना बंद हो गया है, नहीं दो महीने चालू बंद हो गए, और देखे है एकदम है, आ कोई सुनने वाला नहीं है, दो महीने से पानी बंद फिर बंद है, देखिए जून महीने से साफ साफ कहना, क्या नाम पड़ा आपका? जिया कुंवर। ये है, इन्होंने बताया कि साफ साफ कई महीने से, जून महीने से इनके घर में पानी नहीं आ रहा है। अब पानी जब नहीं आ रहा है तो ये अपने डेली वर्क कैसे करते हैं, मिला नहीं है, तो पानी जब आपके यहाँ नहीं आ रहा है तो बाकी काम कैसे करती हैं? कैसे काम चलाता है? चापाकल बा। हाँ।
अभी हो लेर देखते बने काम में खाता था तो अब गरीब आदमी के टंकी ना ही आई तो कैसे काम चले बताइए ना आए तो कैसे काम चलेगा। देखिए ये अपनी पीड़ा बता रही हैं कि नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। आपके घर में पानी आता है? नहीं, पाइप क्यों नहीं लगाया गया है? अपने वार्ड पार्षद से बात नहीं किए हैं? बात किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जब हम लोग पंचायत में जब पानी नहीं आ रहा है तो मैंने पाइप का बात करे हैं। तो फिर पानी के लिए आप लोग कहाँ कहाँ जाते होंगे? पानी के लिए रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन पार करके पानी लेने जाते हैं। हाँ, रेलवे लाइन पे का जो दिखाए थे आप अभी वही है। क्या नाम पड़ा? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार कौन नंबर वार्ड है? ये 2 नंबर। कौन जगह है? रसूलपुर करमहारी मोहनिया पंचायत। आपके यहाँ पानी आता है? हमने कुछ नहीं है का कोर पे माटी चढ़ा के छोड़ जाना है। पाइप नहीं खाया बिछोले? नहीं बिछाना नीचे। हाँ आ टंकी लेके जा कुल लगा दे। नल उल लिखे लगा अंदर घर में? नहीं नहीं अंदर टूटी टूटी कुछ नहीं लिखा जाना लगोले? नहीं नहीं झूठ रहे हो। आज से 2-3 साल से लगोले लिखे? नहीं नहीं खाली कोर के। हाँ हाँ कोर के माटी चला के अब छोड़ जाना जा। क्या नाम पड़ी आपके? सनीचर। सनीचर राम जिला। तो पानी वानी कैसे काम चला था आपके घर है? कलो तो बिगड़ गया था। कलो पानी तो पानी कहाँ से आवेला? पानी है हमें पानी बहुत तकलीफ बा।